देखिए, हम सब जानते हैं कि अन्ना हजारे जी सही मायने में अरविंद केजरीवाल जी के गुरु रहे हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कांग्रेस सरकार थी एक आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में स्वयं अरविंद केजरीवाल भी यही कहते थे कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप किसी पर लगे तो वो व्यक्ति पहले इस्तीफा दे, जब उसका नाम उन आरोपों से अलग हट जाए और साफ हो जाए तब वो वापस सार्वजनिक जीवन में आए और राजनीति करे। आज वही अरविंद केजरीवाल अपने ही दिए हुए जो उपदेश है उसका पालन नहीं करते हैं, और अन्ना हजारे जी का दर्द आप समझिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं, अपने गुरु को ही उन्होंने ठगा है। क्योंकि उनका मैंने वक्तव्य सुना है, उन्होंने कहा शराब नीति पे मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कुछ सुझाव दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गिरगिटान की तरह यूटर्न करते हुए उनके विरुद्ध जाते हुए एक शराब नीति बनाई। इससे ना केवल अन्ना हजारे जी को पर हर दिल्लीवासी को बहुत पीड़ा हुई है, क्योंकि जो धन दिल्लीवासियों के लिए सदुपयोग करना था वो धन वो अपनी तिजोरी में भर रहे थे। देखिए, न्यायालय के आदेश का सम्मान होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से मनीष सिसोदिया की जो याचिका थी उसको खारिज किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली कल भी, इससे पहले मनीष सिसोदिया को भी कोई राहत नहीं मिली थी, संजय सिंह को भी कोई राहत नहीं मिली थी, और 14 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है, 4 महीने से ज़्यादा की अवधि हो गई और संजय सिंह जेल में है, अरविंद केजरीवाल भी अब जेल में है। ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जी को बहुत याद आ रही थी अरविंद केजरीवाल की, और होली मिलन जो होगा वो अब भ्रष्टाचारियों का जेल की सलाखों के पीछे होगा। स्वाभाविक है, ये भ्रष्टाचार की जननी कोई है भारत में वो कांग्रेस पार्टी है, और अरविंद केजरीवाल उनका ही छोटा बेटा है। यही कांग्रेस पार्टी कुछ माह पहले तक अजय माकन जी हों, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हों, तमाम कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है और इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आज क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़ी हुई है, और इसकी एक ही वजह है, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी आज इन सारे भ्रष्टाचारियों पे भारी पड़ रही है। इनको ये गलत फहमी है कि अगर ये भ्रष्टाचारी सारे मिल जाएंगे तो इन लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ना राहत इनको न्यायालय से मिलेगी ना जनता से मिलेगी। इनके पाप का घड़ा फूटा है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी का गुरु टूटा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।